हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीटी किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तिल के कलाकंद की रेसिपी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तिल कलाकंद बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम तिल, 100 ग्राम मिल्क पाउडर, 100 ग्राम फ्रेश छेना, 50 ml दूध, शुगर या फिर शक्कर, इलायची पाउडर, कटे हुए थोड़े से पिस्ता। पहले हम एक कैसे पैन लेंगे या फिर कढ़ाई लेंगे। गैस को ऑन करके कढ़ाई को गर्म होने देंगे, फिर उसमें अपना तिल को डालेंगे। 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम में हल्का सा ही रोस्ट करेंगे, जैसे कि तिल का थोड़ा सा कच्चा स्मेल कम हो जाए। 3-4 मिनट के बाद हमारा तिल अच्छे से चटकने लगा है। जब ये अभी रेडी हो गया है, हम गैस को बंद कर देंगे और उसको ठंडा होने देंगे। तिल ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंडर चलेंगे, उसमें तिल को डालेंगे और उसका एक फाइन पाउडर बना देंगे। ये देखिए, हमारा तिल का एक फाइन पाउडर बन के रेडी हो गया है। हम इसे एक पैन लेंगे, उसमें 1 कटोरी हम मिल्क पाउडर डालेंगे, 1/2 कटोरी उसमें दूध डालेंगे। दूध हमें गर्म यूज नहीं करना है। अब मिल्क पाउडर को दूध के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर को हम दूध के साथ अच्छे से मिक्स करके उसमें से सारे गुठलियां निकाल देंगे। ठीक है, अब इसमें कोई भी गुठलियां नहीं रही। जिस कटोरी से हम मेजर करके मिल्क पाउडर लिया था, उसी कटोरी से हम मेजर करके 1 कटोरी फ्रेश छेना लेंगे, उसको भी हम मिल्क पाउडर के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए, छेना भी अब हमारा अच्छे से मिल्क पाउडर और दूध के साथ मिक्स हो चुका है। अब हम उसी कटोरी से मेजर करके 1 कटोरी तिल के पाउडर को डालेंगे और उसको भी हम मिल्क पाउडर और छेने के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसमें 1/2 छोटी चम्मच हम देसी घी डाल देंगे, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस को ऑन करके हम इस सारे मिक्सचर को गैस में बिठाएंगे। गैस के फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। देखिए, लगभग 2 से 3 मिनट ऐसे मीडियम फ्लेम में उसको रोस्ट करने के बाद हमारा मिक्सचर अब गाढ़ा हो गया है। अब हम उसमें 3 से 4 बड़े चम्मच शुगर डालेंगे। मीठा आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। शुगर को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अभी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम उसमें 1/2 छोटी चम्मच इलायची के पाउडर डाल देंगे, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, 3-4 मिनट भूनने के बाद फिर भी अब अच्छे से गाढ़ा हो गया है, डो की तरह बन गया है। ये अभी रेडी हो गया है, हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसे कोई भी स्टील का, प्लास्टिक का या फिर ग्लास का कंटेनर ले लेंगे, जिसे हम उसमें तेल या फिर घी इसे ग्रीस कर लेंगे। हम उसमें अपना मिक्सचर को डाल देंगे। 1 चम्मच के हेल्प से हम उसको ऐसे फैला देंगे। अब हम इसको फ्रीज में 10 से 15 मिनट के लिए रख के ठंडा करके उसको सेट कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर में भी हम उसको 1/2 घंटा रख के ठंडा कर सकते हैं, फिर हम उसको कट करेंगे। हमारा अच्छे से अब सेट हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट लेंगे, जैसे केक को हम निकालते हैं वैसे उल्टा करके हम उसको प्लेट के ऊपर से निकाल देंगे। हम उसको ऐसे स्क्वायर शेप में कट कर देंगे। उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पिस्ता लगा देंगे और थोड़ा सा तिल भी उसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। हमारा तिल का कलाकंद बनके अब पूरी तरीके से रेडी हो गया है। ये देखिए, टेक्सचर भी कितना अच्छा बना है, कितना सॉफ्ट बना है। इसको बनाना जितना इजी होता है खाने में, उतना ही ये टेस्टी भी होता है। तो प्लीज आप उसको घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा।